अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। गोरो के बाद अब पाकिस्तानी जो कप्तान या कोचिस पुराने थे, उन्होंने भी पाकिस्तान की कोचिंग करने से इंकार कर दिया है। मोहसिन नकवी साहब जो है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनको वजारत नारकोटिक्स और वजारत दाखिला का अहदा भी दिया गया है। लेकिन वो अब से थोड़ी देर पहले इजलास कर रहे थे और बता रहे थे कि मंशियात की स्मगलिंग को कैसे रोकना है, क्या करना है। पाकिस्तानी टीम का कोच का फैसला नहीं हो सका है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप खेलना है अगले महीने जो है, न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आने वाली है। इसी साल वर्ल्ड कप है कुछ ही महीनों के बाद। लेकिन पाकिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, वो इस वक्त जो है वो मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से काफ़ी परेशान हैं। स्मगलिंग कैसे हो रही है, नारकोटिक्स को कैसे रोका जाए, इस वाले से वो बात कर रहे हैं। मुल्क का कप्तान भी अभी तक कोई फाइनल नहीं हो पाया है, और यही मोहसिन नकवी साहब थे जिन्होंने इस बात का इजहार किया था कि मैं जो हूँ वो कप्तानों को चेंज करूँगा अगर आपको इसी कप्तान के साथ जाना है। जैसा कि शाहिन शाह आफरीदी इस वक्त पाकिस्तानी टीम के कप्तान हैं वाइट बॉल के अंदर, तो आप भी ऐलान कर दें, क्योंकि इस वक्त ये खबरें तो शुरू हो गई हैं गर्म होना और ये वाली बातें होना शुरू हो गई हैं कि शाहिन शाह वर्ल्ड कप का कप्तान होगा या नहीं, या फिर कोई और कप्तान होगा। किसी और को रखना है आप उसको रख लें, नहीं रखना तो फिर शाहिन शाह आफरीदी का भी फैसला कर लें। लेकिन ये वाली चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट हैं पाकिस्तान के लिए, इतनी ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वर्ल्ड कप की तैयारी का टाइम बहुत कम रह गया है। आपके पास मुश्किल से कुछ सीरीज़ है, न्यूजीलैंड की सीरीज़ होम है, उसके अलावा इंग्लैंड की सीरीज़ है और आयरलैंड की सीरीज़ है। इसके बाद आपको वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाना है, तो आपके पास और इसके अलावा कोई चांस भी नहीं है कम्बिनेशन बनाने के लिए। नारकोटिक्स वगैरह, ये स्मगलिंग वगैरह, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन आपको सबसे मेन चीज़ ये है कि पाकिस्तानी क्रिकेट के बारे में कोई फैसला कर लें, क्योंकि आप चेयरमैन पीसीबी भी हैं। अब यही अलमिया है पाकिस्तान के अंदर, मैं मुसलसल इस बात की निशानदेही करता रहता हूँ हर वक्त, आप लोग भी वाली बात करते होंगे, हर वक्त एक ही बात करता रहता है कि पाकिस्तान के अंदर चीज़ों को किस तरह सीरियस नहीं लिया जाता। अब सीरियसनेस का अंदाज़ा आपको इस बात से नहीं हो रहा कि पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला खेल जो है वो क्रिकेट है, और क्रिकेट के बाद जो है वो क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन जो है उसको और दीगर काम भी दिए जाते हैं। मतलब इस चीज के लिए, क्रिकेट के लिए आपको इस तरह हंगामी बुनियाद पर फैसले करने चाहिए, लेकिन आपने एक ऐसे शख्स को रखा है जिसके पास टाइम ही नहीं है पाकिस्तान की क्रिकेट को देखने के लिए। और इससे पहले भी आप जिस तरह तमाशे करते रहे, म्यूजिकल चेयर बनाते रहे हैं, यही गवर्नमेंट जो है यही सारी चीजें क्रिएट करती है 2011 से लेकर अब तक जो है। अब आप फिर वही वाली बात कहेंगे कि मैं बोर कर रहा हूं आपको मुसलसल ये वाली बातें कर करके, पहले भी कर चुका हूं, लेकिन ये वाली चीजें हो रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर कि पाकिस्तान के अंदर चेयरमैन पीसीबी को एक तमाशा बनाकर रखा हुआ है। कोचिंग का फैसला हो, कप्तान का फैसला हो, या फिर कोचिंग स्टाफ का फैसला हो, टीम के खिलाड़ियों की सिलेक्शन हो, हर चीज़ पाकिस्तान के अंदर जो है वो ख़राब हुई हुई है। अब इस पोजीशन के ऊपर आकर अब मैं और आप कुछ महीने पहले ये वाली बात डिस्कस कर रहे हैं कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप खेलना है, क्या इस सिनेरियो के अंदर और इस पोजीशन के ऊपर जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान इस वक्त मौजूद है, क्या वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तानी टीम के जीतने के चांसेस हो सकते हैं या नहीं। मैं आपको 90% से ज़्यादा कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के वर्ल्ड कप जीतने के चांसेस जो हैं वो 90% ज़्यादा नहीं हैं। कुछ परसेंट अगर आप 1, 2, 5, 10 अपनी तरफ से लगा ले तो लगा ले। मैं भी आपको ये वाली बात बैठकर बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के 10% से भी जीतने के चांसेस कम हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अभी से अगर तैयारियां की जाए, एक समत दुरुस्त की जाए और फैसले किए जाए। इंडिया के अंदर बातें हो रही हैं कोहली को वर्ल्ड कप खिलाना है या नहीं, वहाँ ये बहस चल रही है और ये वाली चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। राहुल द्रविड़ जो है वो किस तरह इंडिया की टीम को जो है वो लेकर चला था और कहाँ से कहाँ उसने पहुँचा दिया है। एक मुल्की खिलाड़ी जो है जो कोच की फराइज सर अंजाम दे रहा है, उसने अपनी टीम को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। पाकिस्तान में कोई आने को तैयार नहीं है। गोरे जो है उन्होंने मना कर दिया, उनको पता है कि ये मुआहदे की खिलाफ वर्जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले खुद ही करता है, इसलिए इस झंझट के अंदर पड़ने से बेहतर है बहुत सारे ऑप्शन। जब आपके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा होते हैं तो फिर आप जो हो वो इस तरह की पाकिस्तान क्रिकेट के जैसे काम करने को तैयार नहीं होते हो। आप सोचते हो कोई अच्छी भली कोई दूसरी नौकरी जो है जिसके अंदर इससे ज़्यादा पैसे हों और सुकून हो, वहाँ पर आप काम कर सके। अब क्या हुआ, पाकिस्तान के अंदर गोरों ने मना किया, उसके बाद अब पाकिस्तानी जो कोचेज हैं जो जिनके बारे में कहा जा सकता है कि उनको रखना चाहिए, उन्होंने भी मना करना शुरू कर दिया है। बहुत से लोगों से बात हुई, अब आखिर में के अंदर क्या होगा, सखलैन मुश्ताक होंगे, मोहम्मद यूसुफ होंगे, या इस तरह का कोई और ऑप्शन होगा, शायद मिसबाह राजी हो जाएं, क्योंकि वो हर वक्त वकारीनों से मिसबाह हर वक्त तैयार रहते हैं। टीम का कबाड़ा उन्होंने इस वक्त तक कर दिया है, मजीद भी अगर कबाड़ा करने का उनको बोला जाएगा तो वो करने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि वो लोग जो है बिल्कुल फ्री हैं,
कोई उनको पूछता नहीं है, इसलिए इस पोजीशन के ऊपर आने के लिए उनसे जब भी कहा जाएगा वो तैयार हो जाएंगे और मजीद पाकिस्तानी टीम का कबाड़ा करने के लिए वो हम वक्त तैयार रहते हैं। अब जो काम के लोग हैं वो तो इस गंद के अंदर पड़ना नहीं चाह रहे हैं, जो कहते हैं कि मतलब कि पाकिस्तान के अंदर जो मामलात हैं गोरे आप लोगों के ऊपर एतबार नहीं करते तो फिर पाकिस्तानी कैसे एतबार करेंगे। और उनका यही कहना है कि ये लोग वादा खिलाफी करते हैं, पीसीबी के साथ मामला जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। इस तरह की परसेप्शन अगर पीसीबी की हो जाए, आप तस्वर करेंगे इंडिया की बोर्ड की कारकर्दगी कैसी है और पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड की कारकर्दगी कैसी है, और पाकिस्तानी टीम का नंबर क्या है, इंडिया की टीम का नंबर क्या है। एक बाबर आजम को लेकर हम झूला झुलाते रहते हैं कि बाबर आजम वनडे के अंदर नंबर वन है, वनडे के अंदर नंबर वन है, लेकिन कब तक ये वाला मामला भी नीचे आ जाएगा, उसके बाद आप क्या करेंगे, आपकी टीम की रैंकिंग क्या है, कैसे मामलात को आप हल करेंगे, कौन सा कोच लगाएंगे, क्योंकि गोरे के बाद अब काले ने भी मना करना शुरू कर दिया है और कप्तानी का भी फैसला नहीं हुआ है। नारकोटिक्स का इजलास जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है उनकी नज़र में, और क्रिकेट बोर्ड को जो मामलात हैं वो जैसे के तैसे चलते रहे, कोई पूछने वाला नहीं है। आपको इस बात से क्या अंदाज़ा होता है, क्या पाकिस्तान के अंदर सीरियसनेस है गवर्नमेंट की सतह पर या फिर पीसीबी की सतह पर कि पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा पसंद करने वाला हमारा आपका सबसे पसंदीदा खेल जो है उसके ऊपर इनकी कोई तवज्जो नहीं है, और अब कौन कोच होगा पाकिस्तानी टीम का, कौन कप्तान होगा, इस बारे में भी अभी फैसला होना बाकी है। वीडियो आपने देखी है, इस पर आप अपनी राय क्या देंगे, पाकिस्तान की क्रिकेट बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, कोशिश क्या की जा रही है, प्री प्लान तरीके से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट को बर्बाद किया जा रहा है, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, ना ही कुछ कहने को तैयार है, कोई इस बारे में फिक्रमंद नहीं है पाकिस्तान के अंदर, मैं ये देख रहा हूँ। इंडिया के अंदर कोई भी ज़रा सी भी क्रिकेट के आगे पीछे कोई फैसला होता है, कोई ऐसी चीज़ होती है, वहाँ तूफान खड़ा हो जाता है। यहाँ पर बिल्कुल नजम सेठी आता है, जकार शरफ चला जाता है, जकार शरफ चला जाता है, नजम सेठी आ जाता है, ये सारे ड्रामेबाजियां सब कुछ होती रहती हैं। पाकिस्तानी खामोश बैठे रहते हैं, इस बात की फिक्र करते रहते हैं कि हम वर्ल्ड कप क्यों नहीं जीते, हम चैंपियंस ट्रॉफी क्यों नहीं जीते, हम T20 का वर्ल्ड कप क्यों हार गए, हमारी टीम क्यों पीछे है। भाई ये चीज़ें देखो, ये मेन चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपकी टीम जो है वो अभी 10वें पोजीशन के ऊपर आ जाएगी तब भी कुछ नहीं होगा। मुझे सिर्फ इस बात का दुख होता है कि पाकिस्तान में कोई इस बात को देखने वाला नहीं है कि पाकिस्तान की क्रिकेट कहां से कहां चली जा रही है, और मुसलसल गलत फैसले किए जा रहे हैं। मोहसिन नकवी को बनाने का फैसला इंतहाई गलत है, क्योंकि उनके पास अगर उनको बना दिया था तो फिर उनको वजीर दाखिला और सेनेटर और ये नारकोटिक्स वगैरह की चीज़ें ना देते, अब दे दी हैं तो फिर उनको चेयरमैन पीसीबी से हटाएं और फिर किसी दूसरे अहल शख्स को लगाएं जिसको पता तो हो कम अज़ कम कि क्रिकेट कैसे चलती है और दुनिया भर के अंदर क्रिकेट के बारे में क्या फैसले करने चाहिए, खिलाड़ियों को कैसे लेकर चलना है, इनका NOC वगैरह का मसला, कोई मामला सही नहीं हो रहा पाकिस्तान के अंदर। फिर आप लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है उसको गलत क्यों कहते हो, उसके बारे में गलत बातें क्यों करते हो, क्रिकेट का मयार कैसा हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, ये वाली चीज़ें भी आप लोगों को देखने वाली हैं। सोचें ज़रा और मशवरा दें, बताएं कि आप इस पोजीशन के ऊपर पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, या आप लोग ये समझते हैं उस ग्रुप के साथ आप लोगों का ताल्लुक है जो ये समझता है कि पाकिस्तान के अंदर सब कुछ क्रिकेट के अलावा हर चीज़ सही चल रही है, कोई चिंता फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा है तब भी आप बताएं, अगर ऐसा नहीं है तब भी आप बताएं, बताइएगा कि पाकिस्तान के क्रिकेट के अंदर बेहतरी कैसे आ सकती है, हमको इंडिया की तरह जो है, या फिर इंडिया से अगर आपको इतनी नफरत है तो किसी और मुल्क की मिसाल ले लो कि वो लोग अपनी क्रिकेट को ऑस्ट्रेलिया वाले किस तरह इतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, उनकी टीम क्यों नंबर वन रहती है, एक आप मैच बैड मैच होने के बाद अच्छा खेलना क्यों शुरू कर देते हैं, हमारे अच्छा खेलने के लिए एक मैच का इंतज़ार होता है उसके बाद फिर बुरे मैचेस शुरू हो जाते हैं, इसकी क्या वजूहत है, क्यों पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो इस तरह बहरान का शिकार है। सबसे ज़्यादा पसंदीदा खेल है लोगों का, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है, कोई बड़ा मुश्किल लफ्ज़ मैं बोलना नहीं चाह रहा, सबसे कम तवज्जो जो है वो क्रिकेट को दी जा रही है, इसका क्या हल हो सकता है, ज़रा इस बारे में आप ज़रूर बताइएगा, या मैंने गलत बातें की हैं, कोई गलत निशानदेही की है, ज़रूर बताइएगा इस बारे में आपकी अपनी क्या राय है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।